ओके गाइस, सो मैं आपको दिखाता हूँ इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग राइड। बाइक सर्विस के लिए देने जा रहा हूँ आज, और जो खर्चा होना है वो तो होगा ही होगा, बट मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है इस ट्रिप के बाद। राइड से पहले खर्चा, राइड के बाद खर्चा, लेकिन इस बार राइड में जो जो प्रॉब्लम्स आ गई है बाइक में वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये बैटरी का कवर गिरा था, तो ये बैटरी ये लगेगा इसमें लॉक। दूसरा, मेरी ये हैंड ब्रेक आप देख रहे हो बिल्कुल फिनिश है, ये ख़राब हो गया। और सीट तो मेरे पास तीन ही, तो सीट हटा रखी थी। एक मेरा ये कवर निकल के गिर गया है। इंजन की हालत आप देख रहे हो, कितना ऑयल गिरा हुआ है इसमें। और ये मड गार्ड बांध रखा है मैंने, आपने आवाज़ सुन रहे होंगे, ये पूरा ख़राब हो गया था। बहुत प्रॉब्लम करी लास्ट के 3 दिन, इसके दांत भी टूट गए। ये नट निकल के गिर गया था, ये देखो मैंने अलग से लगा रखा है, ये गया ख़राब हुआ ये। और भी है स्टैंड, ये स्टैंड भी मैंने बांध रखा है, ये भी मैं बांध के लाया हूँ, ये भी निकल के टूट गया। और ये मीटर वायर निकल के बाहर आ गई। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, तो आज देख के आते हैं इसको NCR पे, देखते हैं इस बार कितना खर्चा होता है। और हाँ, ये भी आपको दिखा दूँ कि मेरे ये सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है। ओह वाह, अभी कर गया, लेकिन ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें बैटरी में भी इशू आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी वहाँ जाते हैं NCR और दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम्स और है इसमें। अरे ऑयल इतना फेंका है कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ गियर पे भी ऑयल है, पूरी बाइक, अगर इंजन दिखाऊंगा आपको, पूरे इंजन में ऑयल है और ये कार्बोरेटर में भी ऑयल है। ये पहली बार आया है, ये दिख रहा होगा आपको कार्बोरेटर में ऑयल, ये फर्स्ट टाइम देखा है, पहले कभी नहीं हुआ। हाँ ये भी देखिए, ये भी टूट गया, ये मैंने खुद जुगाड़ से बांधा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी गया। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चले वो हो गया, डाल दिया, चलो फिर तो चलते हैं हम NCR और काम कराते हैं। देखा आपको कैसे, देखिए कहाँ भाग रहा RPM, हल्का सा रेस देते ही। तो बैटरी इशू है, हैं, और चेन में भी कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं कि चेन शायद मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं वो ऑयलिंग नहीं है क्या है। बाकी इस बार तो हमने मेंटेनेंस भी बहुत करी है, क्योंकि जो एक राइडर था बिट्टू, उसने काफ़ी काम करा था अपनी बाइक पे, मतलब वो उसे टॉपअप करता रहता था हर चीज़। तो लगे यार हम अपनी बाइक भी टॉपअप करवा लेते उससे हर चीज़, मतलब ऑयलिंग हुआ या जो भी चीज़ें हुई छोटी मोटी टेक केयर वाली चीज़ें जो होती हैं राइड के दौरान। तो उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई इसमें। हाँ ये ट्रिप थोड़ा लंबा था, 5000 प्लस किलोमीटर था, आई थिंक 5300 और समथिंग, लेकिन फिर भी इतना मैंने कभी किसी 3000-4000 के ट्रिप पहले भी है, लेकिन इतना खर्चा, इतनी प्रॉब्लम्स, चीज़ें गिरना, ये पहले कभी नहीं हुआ है, इस ट्रिप में ही ज़्यादा हुआ है। अब हो सकता है चांस की बात भी हो, बट बहुत सारी चीज़ें निकल के गिरी हैं। बस आज बाइक दे दे, ऐसा ना हो कि आज भी वो बाइक रख ले अपने पास। मैं ज़्यादा तेज चला भी नहीं पा रहा हूँ, ब्रेक ही नहीं है मेरे पास। ओके सो पहुंच गए हम जामिया नगर की गलियों में। अच्छा जी, यहाँ भी ऑफ रोडिंग, एक आध चीज और निकल के गिर जाएगी भैया, क्या आवाज आई होगी। और गड्ढे पे खटाखट खटाखट खटाखट, गाइस तो बाइक दे दी गई है, और वही हुआ जिसका डर था, बाइक रख ली गई है दोबारा, और अब वो 2 दिन बाद मिलेगी।
बस थोड़ा सा यही ड्रॉबैक है यहाँ पे, ये बाइक सेम डे मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काम ही इतना है और इसकी भी लो जीसी अभी नीचे लग गई भाई। काम ही इतना है कि एक दिन में बाइक दे ही नहीं पाते हैं चाह के भी। तो आप जब बाइक दे ही दिए, चाहे एक दिन में दे चाहे चार दिन में दे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही है कि आने जाने में प्रॉब्लम रहती है, तो ये इशू हमेशा रहता है मेरे साथ। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है यहाँ पे आना, सर्विस पे देना, क्योंकि आसपास तो रहते नहीं हम, आ गए तुरंत। तो बाकी देखते हैं कब मिलेगी और कितना खर्चा आएगा। मैं बोला है कि बाइक में चिमटे का भी काम है, तो चिमटे का काम मतलब फिर खर्चा तो है ही, तो चिमटे का काम पता नहीं कितने का होता है, अब पता लगेगा। वैसे लास्ट ही है जो मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ, क्या जब तक चलेगी चलेगी, उसके बाद इसको ख़त्म ही कर दूँगा बाइक को मैं। ले ले कुछ लेना, खाने का टाइम तो हो ही गया। मटन स्टूप, चिकन स्टूप, मुरादी वाले, ओके। हम आए रॉयल कबाब फूड, बिरयानी, कोरमा में तेल तेल ज़्यादा होता है, नहारी नहारी खाते हैं। कितने हो गए? दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ। कितने हो गए भाई? हाँ चल रहा है वीडियो तो, हाँ डी एल वर्ल्ड। पॉल्यूशन मास्क पहना हुआ है सर, की चिंता नहीं है, पॉल्यूशन की चिंता है, फेफड़े खराब ना हो जाए। अब इन्हें कौन कानून पढ़ाएगा बताओ। एक ही हाथ तो चाहिए, बाकी कुछ चाहिए? हाँ बहुत, बचा लिया भाई, बचा लिया। ले ले मुझे। सो आई एम बैक फ्रॉम NCR मोटरसाइकिल्स। आपको वीडियो में पता लग ही गया होगा मैं NCR मोटरसाइकिल गया था काम करवाने, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कितना खर्चा है उसमें, लेकिन इतना श्योर हूँ कि उसमें नॉर्मल से ज्यादा होगा। जो मेरे साथ दूसरी बाइक गई थी उसका 1300 और मे बी 1400 खर्चा है, प्लस जो मैंने सामान दिया वो अलग दिया उसको, ऑयल एंड ऑयल फिल्टर एंड ऑल दैट। बाकी आई डोंट नो आप कितने इंटरेस्टेड होंगे खर्चा जानने में, बट अगर इफ यू वांट टू नो आई कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, आई विल गिव इट टू यू कितना खर्चा आया इस चीज में। आज मैं बाइक लेके गया, उन्होंने रख लिया, पता नहीं कितने दिन बाद मुझे मिलेगी वो। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है वहाँ पे, बिकॉज काम उनका ज्यादा है, लेकिन हमारे पास भी टाइम कोई फालतू या एक्स्ट्रा नहीं है जो हम इतना टाइम दे सके। अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो अभी लर्निंग फेज पे हूँ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता रहेगा मैं भी और चीज़ें सीखता रहूंगा और वीडियोस और बेटर होती चली जाएंगी। मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे उसमें ट्रैवल वीडियोस ही होते हैं, तो देखते हैं थोड़ा और भी कुछ अलग सा डालने की कोशिश करेंगे, विच विल बी रिलेटेड टू राइड एंड ट्रैवल ओनली, बट थोड़ा सा और एंटरटेनिंग टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुझे भी लगता है थोड़ा एंटरटेनमेंट पार्ट थोड़ा कम है, एंड आई विल ट्राई टू पुट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे तो उतना बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक माई ऑल द एपिसोड्स ऑफ नेपाल एंड भूटान राइड, फिंगर क्रॉस होपफुली आगे और बेटर राइड्स हों। That's it, और कुछ ज़्यादा है नहीं। So I'll meet you with a new ride, new travel places. Till then, take care, keep riding, keep exploring. Adios. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.